अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। हमने राउंड करना है इनको 1 डेसिमल प्लेस तक। पार्ट 1 को करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 8.23। हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है यानी कि 8.2 तक। अगर इसके राइट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इधर हमने 1 बढ़ा देना है। अगर 5 से लेस हो तो फिर इधर बढ़ाना नहीं है, वैसे ही इसको कैंसिल कर देना है। ये आएगा 8.2। अब ये 5 से छोटा है ना, इसलिए इसको बढ़ाया नहीं है, इसको वैसे ही लिख लिया है 8.2। अब पार्ट 2 5.38। इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। अब 5 से बड़ा है ये 8, 5 या 5 से ग्रेटर है तो 8 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसको ख़त्म करेंगे तो 3 को 4 बना देंगे यानी कि इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये आएगा 5.4। अब पार्ट 3 6.62। इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है तो 2 को जब ख़त्म करेंगे तो 6 में हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 5 से लेस है, इसलिए इधर हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये आएगा 6.6। अगर इधर 5 या 5 से ग्रेटर होता तो इधर हमने ऐड कर देना था 6 में 1, इसलिए ये 5 से छोटा है तो इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे, ये 6 ही आएगा, 6.6 है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक को राउंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 15.635। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमने लिखने हैं। तो 5 है, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इधर हमने 1 बढ़ा देना है। ये आएगा 15.64। ये 3 को हमने बढ़ा दिया, 5 को हमने ख़त्म कर दिया तो ये आएगा 15.64। अब पार्ट टू है 8.772। इसको हमने राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब ये 2 को हमने ख़त्म कर देना है, 2 को ख़त्म करेंगे तो इधर बढ़ाएंगे नहीं। तो अगर ये 5 होता तो फिर इधर बढ़ाना था, ये 5 नहीं है, 5 या 5 से ग्रेटर होता तब ही बढ़ाना था ना इधर, ये 5 से छोटा है तो जब 5 से छोटा तो इधर हमने बढ़ाना नहीं है, वैसे ही लिख देना 8.77। तो ये पार्ट 2 भी हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है 17.827। अब इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने के लिए 7 को ख़त्म करेंगे यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए तो 7 को ख़त्म कर देंगे। चूंकि 7 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए तब ये 2 3 बन जाएगी यानी कि इसमें ऐड होकर कर देंगे। यह आएगा 17.83। 2 में एक ऐड कर दिया तो यह आएगा 3, 7 को हमने ख़त्म कर दिया तो ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। क्वेश्चन थ्री पार्ट 1 71.8345। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए तो 5 को हम ख़त्म कर देंगे,
फाइव या फाइव से ग्रेटर हो तो इसको ख़त्म करके इसको हम बढ़ा देंगे। 71.834 की जगह पे क्या आएगा, फाइव। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। अब पार्ट टू है 90.0362। अब इसको हमने थ्री डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, 036 तक। तो टू को ख़त्म कर देंगे। अब टू चूँकि फाइव से छोटा है इसलिए सिक्स में हम एक ऐड नहीं करेंगे। अगर ये फाइव या फाइव से ग्रेटर होता तब सिक्स को हम सेवन करना था। तो इसको लिख लेंगे 90.036। तो ये पार्ट टू सॉल्व हो गया। अब पार्ट थ्री है 108.3184। अब इसको हमने थ्री डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। अब फोर को हम ख़त्म करेंगे तो फाइव या फाइव से ग्रेटर होता तब एट को हमने नाइन बनाना था। अब फाइव से छोटा है फोर तो इसलिए हम एट को एट ही रहने देंगे। यह आएगा 108.318। तो ये थ्री डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन थ्री भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इसको हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट नंबर वन, 3/4। तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3/4 को। 3 को डिवाइड कर देंगे 4 पे। तो चूँकि 3 छोटा है 4 से इसलिए इधर डेसिमल लिखेंगे और इधर भी डेसिमल और इधर 0 लगा देंगे 3.0। अब 4 का टेबल हमने 30 तक पढ़ना है। 4 7s are 28। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब एक और 0 लगा दें इधर और इधर भी। 4 5s are 20। तो ये आ गया। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके पहले हम 0 भी लिख सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 0.75। तो ये जो फ्रैक्शन में था इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू, 5 whole 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 5s are 40, 40+1 41, 41/8 आ गया। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 41 को 8 पे। 8 5s are 40, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इधर डेसिमल पॉइंट लिखेंगे ऊपर भी। ये डेसिमल पॉइंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 8 से छोटा है तो इधर 0 लिखेंगे तो इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट लिखा। डेसिमल पॉइंट नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी लिखेंगे। 0 तो 0 नीचे उतार लेंगे। 8 1s are 8 2, फिर 0 लगाएंगे 0। 8 2s are 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 0 एक और लगा देंगे। 8 5s are 40, तो ये आ गया 5.125। तो 5 whole 1/8 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 5.125। तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर थ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट नंबर थ्री, 17 whole 2/5। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85। 85 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 87। 87/5। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। 87/5, 5 1s are 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। 8 minus 5 3, 7 को नीचे उतार लेंगे। 5 7s are 35,
तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 7 माइनस 5 टू, 3 माइनस 3 ज़ीरो। अब इधर डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, इधर डेसिमल पॉइंट लिखा तो इधर भी लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में भी। अब 0 को नीचे उतार लेंगे, 5 4 20, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, ये आ गया 17.4। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। ये जो डेसिमल्स दिए हुए हैं इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 17.23। तो सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, तो 17.23 ओवर क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, और इसके बाद 2 डिजिट हैं राइट साइड की तरफ, तो 2 0 लगा देंगे। अब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते किसी एक नंबर पे, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर बड़ा है ना और डिनोमिनेटर छोटा है, जिसको हम डिवाइड कर देंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 17.23 को 1723 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो इसको हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 72। तो 72 100 से छोटा, इसलिए 3 को नीचे उतार लेंगे, 723 आ गया। अब 100 का टेबल 723 तक पढ़ना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 700, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3 2 7 माइनस 7 0। अब इसको हम लिख लेंगे 17, चूँकि क्वेश्चन है 23 रिमाइंडर 100 डिवाइजर, तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में, 17 होल 23 ओवर 100, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 24.52। पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे क्या आएगा, 1, और इसके बाद राइट की तरफ 2 डिजिट हैं तो 2 0 लग जाएंगे, 2452 ओवर, डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट हैं 5 और 2, तो ये 2 0 लग गई। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 पे, तो 2 पे इसको कैंसिल कर देते हैं इधर, टू 5 ज़र 10 0, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 1, 2 6 ज़र 12, तो ये 2 पे डिवाइड हो गया। अब फिर इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़र 4 10 आ गया, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 है, तो ये आ गया 613 ओवर 25। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 613 डिवाइड 25। अब 25 का टेबल हमने 61 तक पढ़ना है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 50। अब 1 आ गया, 6 माइनस 5 1, तो 11 25 से छोटा, इसलिए 3 को नीचे उतार लेंगे। 25 का टेबल हमने 113 तक पढ़ना है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 1 1 माइनस 1 0, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 24 होल 13 ओवर 25, तो ये आ गया फ्रैक्शन में पार्ट 2 का आंसर 24 होल 13 ओवर 25। अब है पार्ट नंबर 3 19.11। तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में है, तो सबसे पहले डेसिमल को ख़त्म करेंगे 19.11 ओवर 100, क्योंकि डेसिमल की जगह पे हमने 1 लिख दिया,
और इसके बाद टू डिजिट हैं तो 2 0 लग गई। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर चूँकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे 100 पे। न्यूमरेटर क्या है, 1911, और डिनोमिनेटर है 100। तो 191 तक हम 100 का टेबल पढ़ेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, जो कि 191 से बड़ा है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आएगा 9, 1 माइनस 1 0। अब 1 को भी नीचे उतार लेंगे। अब 100 का टेबल हमने 911 तक पढ़ना है, तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 900। तो 1 1 9 माइनस 9 0। तो अब हम इसको लिखेंगे 19 कोशंट, 11 जो रिमाइंडर और 100 डिवाइज़र। 19 होल 11 ओवर 100, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो ये पार्ट 3 का आंसर आ गया। और इसी के साथ क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.5 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।